नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। डिग्री वन के सभी आवेदित छात्रों का नामांकन नहीं लेना, उन छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। अमीन हमजा, डिग्री वन एवं इंटर के सभी वंचित छात्रों का नामांकन होने तक हमारा संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। सजग सिंह, हर साल मैट्रिक एवं इंटर के छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर राजभवन एवं विश्वविद्यालय को ध्यान देने की जरूरत है। लगातार छात्रों की बढ़ती संख्या इंटर एवं डिग्री वन सहित अन्य वर्ग में सीमित सीट रहने की वजह से छात्र आवेदन करने के बावजूद उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं और निजी शिक्षण संस्थानों की तरफ दौड़ते हैं। हमारा संगठन मांग करता है कि डिग्री वन एवं इंटर में आवेदित तमाम छात्रों का नामांकन होना चाहिए। उपरोक्त बातें बेगूसराय जिला परिषद के द्वारा आयोजित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पोता ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AISI के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा ने कहा कि जल्द से जल्द वंचित छात्रों का नामांकन विश्वविद्यालय प्रशासन ले। पोता ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सजग सिंह ने कहा कि सरकार जानबूझकर छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इसी वजह से इंटर एवं डिग्री वन में उतना आवेदन होने के बावजूद सीमित सीट पर नामांकन लेने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन को दिया है। तमाम आवेदित छात्रों के नामांकन लेने तक हमारा संगठन अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष सजग सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए फीस बढ़ोतरी, रिजल्ट पेंडिंग और छात्र विरोधी नीति को आम छात्रों पर बोझ डाल रही है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बाज नहीं आया तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाएंगे। जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार और जिला कोषाध्यक्ष सहजीडी कॉलेज छात्र संघ महासचिव अमरेश कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहती है। ज्ञात हो कि पूर्व निर्धारित अपने कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 7 अगस्त 2019 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद ने पटेल चौक स्थित अपने जिला कार्यालय से जीटी कॉलेज छात्र संघ महासचिव सह जिला कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार एवं छात्र संघ महाविद्यालय प्रतिनिधि मोनू सिंह के नेतृत्व में वीसी का पुतला झंडा बैनर के साथ मार्केट का भ्रमण करते हुए जीटी कॉलेज कैंपस पहुंचा। जीडी कॉलेज कैंपस का भी भ्रमण किया और गेट पर आकर सभा में तब्दील हो गया। मौके पर वीसी के पुतला को मुखाग्नि रोशन कुमार और मोहम्मद आबिद ने संयुक्त रूप से दिया। पुतला दहन कार्यक्रम के मौके पर जीडी कॉलेज छात्र संकोषाध्यक्ष शिशुवत दिवस आजाद बटी कुमार सुजीत रोशन मनीष राकेश ब्रजेश प्रदीप सहित दर्जनों कार्यकर्ता थे। मैं ASF का कार्यक्रम था, वो किस मुद्दे पे था? जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा तीसरा सूची लिस्ट निकाल दिया गया, लेकिन लगभग 5000 से अधिक छात्र छात्राएं ठोकर खा रही हैं वो एडमिशन के लोग कर अभी तक, लेकिन उन तमाम लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया। हम बीसी से और प्रिंसिपल से जीडी कॉलेज प्रिंसिपल से मांग करते हैं जल्द से जल्द तमाम जो छूटे हुए बच्चे हैं तमाम बच्चों का एडमिशन हो, नहीं तो हमारा छात्र संगठन AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सड़कों से कॉलेज से लेकर सड़कों तक करने के ऊपर बेताब होगा। अभी लगभग 5000 से अधिक छात्रों ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सीधा बीती से मांग कर रहा हूं कि जल्द से जल्द तमाम छात्र छात्राओं का एडमिशन हो। आपका नाम? अमरेश कुमार, जीडी कॉलेज छात्र संघ महासचिव, AISF जिला प्रशासन। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क